आज ये सभा शाम लगी है महाराज करते किसी को लाल पीला पान उठा कर दे पीला पान कर महाराज पिता अच्छा ऐसा बाप का लाल है तो ये पीला पान उठाएगा और ये शीत कमर दह से कमर का फूल तोड़ करके लाल का जे हर हर दास सवार हुए पीला पान को रख देते हैं। आइए महाराज पदार्पण कीजिए सिंहासन पर आइए। जब जब भीड़ पड़े धरती पर नीच मनुष्य जब तारी कि जब यह धरती पर पाप की धारा या अभिमानी भ्रष्टाचार होने लगते हैं तो किसी न किसी रूप में परमात्मा को अवतरण होना पड़ता है और उनको आकर के उनको सरकार कर देते हैं। अभिमानी को उस रावण को मैं जाकर के उस समय घमंड को अवश्य मैं उसको तोड़ करके मैं भगवान के दरबार में है नानी सज्जन सादा के नाम मुरली निवास आप सज्जन सादा जनाब मुरली निवास उन्होंने सादा के साथ भगवान के दरबार में किस लगा दिया
वापस में विचार करते हैं, कहते हैं भाई महाराज क्या सुना, कहीं सी आवाज कानों तक आ चुकी है, क्या तुम्हें मालूम हुआ? कहते दादा मुझे तो मालूम है, मुझे मालूम हुआ कि हे दादा तो मैं भी वही सोचता हूँ कि मैं दादा से अनुमति मांग करके और उस सीमा तक हम दोनों उम्र को जाना पड़े और देखेंगे कि कौन सी ऐसी अद्भुत है लीला रखा है वह सिद्ध कमल रहेगी और वह कमल का फूल में क्या उनकी खासियत है भगवान कि हे दादा मैं वह देखने के लिए मैं सोचता हूँ कि दादा जिस प्रकार से ये चैलेंज किया है दादा क्या है दादा इस संसार में कोई माई का लाल पैदा नहीं दिया है क्या है दादा प्रकार से उन्होंने कहा है कि हे दादा कि जो माता दुख पिया है माई की गर्भ से अब तरल हुआ है वह सिद्ध कमल दासी कमल का फूल तोड़ के ला देंगे हे दादा आपकी अनुमति होना चाहिए सकता हूँ दादा परंतु आपकी ताबड़ा होना चाहिए आपकी अनुमति होना चाहिए उसके बाद कहते भद्री महाराज सत्य तुम्हारे प्रश्न को मैंने सत्य किया परंतु कि हे भद्री महाराज हम दोनों पवन चल करके देख रहे हैं और जिस प्रकार से चैलेंज किया है वह अभिमानी को मुंहतोड़ जवाब देना है और इतनी बड़ी जवाब मिलेंगे कि फिर वह दोबारा ऐसा चैलेंज वह कर नहीं सकता चलो और उससे कोई अनुमति लेने का कोई आवश्यकता नहीं है किंतु जाकर के बेड़ा पार उठा लेना है कमल का फूल अवश्य और करके उसको लाकर तुम्हें दूंगा
सर की अर्थावती ये किरा भय किया उतारी रिजर्व वाली रिजर्व वाली पिरिया पिरिया कुमारी अरे पिरिया कुमारी की बात जब मुझे सहन आ रही है भगवान के दरबार में एक आदमी एक दरबार